और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, आशुतोष टंडन के आवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी उनके आवास पर पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पर पार्थिव शरीर पर श्रद्धा के सुमन अर्पित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर बीजेपी विधायक का निधन हुआ है और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद समेत कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक आशुतोष टंडन का निधन हुआ है और आशुतोष टंडन के आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, परिवारों से मुलाकात की है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी उनके आवास पर पहुंचे हैं और बता दें कि उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद समेत नेता और कार्यकर्ता भी उनके आवास पर पहुंचे हैं, पार्थिव शरीर के उन्होंने दर्शन किए हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक आशुतोष टंडन का निधन हो गया है। और खबर सुनते ही आशुतोष टंडन के आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और ये देखिए तस्वीरें किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। आशुतोष टंडन के आवास पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी उनके आवास पर पहुंचे हैं, मौजूद हैं उनके साथ में। उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जा रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए। और इसके अलावा प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद समेत नेता और कार्यकर्ता भी उनके आवास पर पहुंचे हैं, उनके पार्थिव शरीर के दर्शन किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक आशुतोष टंडन का निधन हो गया है। आशुतोष टंडन के आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, उनके साथ में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी उनके आवास पर पहुंचे हैं। उन्होंने पार्थिव शरीर पर पहुंचकर श्रद्धा के सुमन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और इसके अलावा प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद समेत नेता और कार्यकर्ता भी उनके आवास पर पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक आशुतोष टंडन का निधन हो गया है। आशुतोष टंडन के आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं।